गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। जोधपुर यहाँ से है 246 किलोमीटर्स और 5-5.5 घंटा लगेगा। गाड़ी वाड़ी सब लोड कर लिया है। ये गली में था अपना हॉस्टल, सेम इनके सेम इसमें रुकने वाले हैं मोस्ट टच। सो अभी लीव फ्रॉम हियर और सबसे पहले चाय और कुछ बिस्किट खाया जाए। खाया नहीं है कुछ, नाश्ता वास्ता कुछ हुआ नहीं है अभी तक। चलते हैं गाड़ी पे। सो वी लीव नाउ फ्रॉम उदयपुर। जैसे ही सिटी के बाहर चलते निकलेंगे वैसे ही हम लोग बैठेंगे नाश्ता करने के लिए। और टेम्परेचर भैया बहुत बढ़िया टेम्परेचर है क्योंकि सुबह ठंड थी 7 डिग्री या 8 डिग्री के आसपास, लेकिन अभी उतनी ठंड नहीं लग रही है। लॉन्ग रूट ये सही रूट है भैया। सो टेम्परेचर अभी हो रहा है 20 डिग्री के आसपास और अभी निकलने के लिए बस इतना ही टेम्परेचर सफिशियंट है। और इस ठंड में तो यार बाइक चला लेंगे क्योंकि धूप भी आती रहती है बीच बीच में, तो थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हाईवे लग जाएगा, सीधा सीधा ही रोड है शायद। हाँ सो हमको जाना है जोधपुर, यहाँ से है 245 किलोमीटर और जयपुर 388 किलोमीटर। सो देखेंगे। और हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं रुक के ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। सो अभी चाय पी लिया यहाँ से और कुछ भुजिया खाए बालाजी वाले और अभी निकलते हैं यहाँ से। नो सी दिस ब्यूटीफुल व्यू गाइस, पहाड़ों के बीच में से हम लोग जा रहे हैं और सुबह सुबह ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब आप राइड पे निकलते हो। तो अभी एक टनल आ गया है सो हम लोग टनल के अंदर से जाएंगे अभी। एक्सीलेंट, ज़्यादा बड़ा टनल नहीं है दोस्तों, यहाँ से ख़त्म हो गया तो शायद हमको ऐसे टनल और मिलेंगे। यार हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था कि राजस्थान में यार सिर्फ डेजर्ट है, रेती वाला एरिया, रेगिस्तान पूरा, और यहाँ पे पानी की बहुत ही मतलब किल्लत होती है, कमी होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, यहाँ पे ठंड भी पड़ती है, यहाँ पे सब पानी भी अवेलेबल है 24 घंटे सभी जगह पे, और यहाँ पे हरियाली भी है। गाइस वो देखिए शिव जी की बड़ी बड़ी मूर्ति दिख रही है वहाँ पे। कोशिश करेंगे वहाँ पे जाके एक ड्रोन शॉट तो ले और दर्शन कर ले शिव जी के। और अभी देखना पड़ेगा ये कहाँ से जाते हैं। वो मंदिर यहाँ से जाते हैं, बढ़िया। ओए होए होए होए, 2 किलोमीटर अंदर है यहाँ से, लेकिन शिव जी ने खींच ही लिया हम लोगों को। जय भोलेनाथ। गाइस ये देखो मूर्ति, बंद है क्या? आगे से पीछे का नहीं है, पीछे का नहीं है। गेट इनका पीछे है, वहां से एंट्री है। फूट लोग आने दे आपको अंदर तक आ जाना। कहां से? कार्ड का खत्म होते कच्चा बंदा। सो गाइस वो बंद था लेकिन अपन उड़ाएंगे ड्रोन। अलाउड नहीं है, देख के आ जाते ना भैया ऐसी।
बस ना जिला हमारा दूसरा, मतलब ये नहीं है आसमान में। अच्छा चित्तौड़ जिला हमारे वहाँ भी देखने में बहुत अच्छा है। इससे यानी गाड़ी फोटो खींच रहा हमारा माता जी मंदिर बहुत अच्छा है चित्तौड़गढ़ में। हाँ चित्तौड़गढ़ में। अच्छा बहुत बढ़िया देखने में। गढ़ वैसा का वैसा ही है क्या? अरे बहुत बढ़िया है, मतलब देखने में बहुत बढ़िया है। सावला जी, सावरा जी और चलो भैया चित्तौड़ जाओ, मतलब देखने का बहुत अच्छा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। लोग अच्छे मिल गए थे गाइस, और ड्रोन की थोड़ी सेफ्टी के लिए उसको साइड में करना पड़ेगा थोड़ा सा। फ़ोन गिर गया था गाइस, कोई नहीं, गार्ड की वजह से बच गया। बच गया ना, बच गया भाई। ये कोई जंगल एरिया में आ गए दोस्तों, और पटने चालू हो गई है क्योंकि वहाँ पे मंकीज़ वगैरह दिखे हैं, और बोलते हैं कि यहाँ पे जंगल में जानवर भी है, जंगली जानवर। ये देखो भैया अंडरपास एक गांव में। हाँ तो भाई अभी हम लोग ये खाना खाने के लिए यहाँ पे रुके, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर चलाने के बाद अभी रुके हैं। कंटिन्यूस 150 किलोमीटर चला लिए, और यहाँ से अभी 71 किलोमीटर और है अपने को जोधपुर पहुँचने के लिए। तो लंच हो गया है हम लोगों का, अब यहाँ से ओनली 70 किलोमीटर है जोधपुर, सो नॉन स्टॉप जाएंगे 70 किलोमीटर। ओ पेट भर के खाना हो गया यार। फाइनली जोधपुर के अंदर है हम लोग, हॉस्टल पहुंचने के लिए और 20 मिनट लगेंगे। 7 किलोमीटर का समय, मतलब 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी यहाँ से, और बहुत अच्छी सिटी है यार, अच्छा मेंटेन करके रखा है। देखेंगे यहाँ पे आने के बाद साइट सीइंग कितना बढ़िया होता है। तो अभी बस हॉस्टल में पहुंचेंगे। हॉस्टल में इस बार हम लोगों ने डोर्म नहीं, प्राइवेट रूम बुक किया है, क्योंकि 2 दिन का उतना ही पड़ रहा था जितना डोर्म में रुकने के लिए